हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम आज बात करेंगे वो रहेगा स्कॉलास्टिक फिलॉसफी एंड इंट्रोडक्शन। मतलब स्कॉलास्टिक जो है इनको टर्म्स आता है स्कूल मैन से, और स्कूल मैन किन को बोला जाता था, जो फादर्स हैं चर्च के। तो मतलब जनरली हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन फिलॉसफी की, जहाँ मेडिवल फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं। तो आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा स्कॉलास्टिसिज्म्स। तो अराउंड 3rd-4th century में जैसे ही मेडिवल एंशियंट और ग्रीक फिलॉसफी का डिक्लाइन होता है, तो इसके साथ ही जो फिलॉसफी है वो डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती है। तो मतलब अंटिल 6th-7th century कोई फिलॉसफी काम नहीं हुआ था, और 6th-7th century से लेकर 14th-15th-14th century तक का जो टाइम पीरियड है इसको मेडिवल टाइम पीरियड बोला जाता है। वो इसके बीच जो फिलॉसफिकल वर्क हुआ उसे मेडिवल फिलॉसफी कहते हैं हम, जिसे हम क्रिश्चियन फिलॉसफी कहते हैं, क्योंकि उनके जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सारे क्रिश्चियंस थे। और आफ्टर 14th century मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू होती है। तो अगर हम स्कॉलास्टिसिज्म्स को देखें तो मतलब एंशियंट फिलॉसफी के बाद एरिस्टोटल की डेथ के बाद एक जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था ग्रीक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में, जो कोई फिल नहीं कर पा रहा था। मतलब अगर हम ऐसे बोले, इट फेल्ड टू प्रोड्यूस ए थिंकर्स हु वुड इक्वल द इमेजिनेशंस ऑफ आइदर प्लेटो और एरिस्टोटल, द टू ग्रेट सिस्टम बिल्डर्स ऑफ एंशियंट ग्रीक थॉट्स। लेटर विद द एमर्जेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी द डिक्लाइन वॉज कम्प्लीट। जैसे ही मतलब क्रिश्चियनिटी आई, स्कॉलास्टिसिज्म आया, तो ये जो वैक्यूम था एरिस्टोटल के बाद का वो थोड़ा सा फील होना शुरू होता है। नाउ वी कम अक्रॉस अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन ह्यूमन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, द एमर्जेंस ऑफ स्कॉलास्टिसिज्म, द ट्रेडिशंस ऑफ कैथोलिक थियोलॉजिशियंस। तो मतलब मैंने जैसे बात की, ये फादर्स थे चर्च के, स्कूल मैन जिनको हम कहते हैं, तो ये जो है वो फिलोसफिकल थ्योरीज को प्रपाउंड कर रहे थे अपनी। वाइल द ग्रीक इन जनरल वर रैशनल क्रिटिकल एंड एडवोकेट फ्री थिंकिंग्स, मतलब हम प्लेटो एरिस्टोटल की बात करें वो काफ़ी रैशनल थे और फ्री थिंकर थे। बट अगर हम स्कॉलास्टिसिज्म की बात करते हैं, दे वर इंस्पायर्ड बाय द ऑफिशियल फिलॉसफी ऑफ द कैथोलिक चर्च, अंडरलाइन अनक्रिटिकल एंड अनकंडीशनल फेथ। तो मतलब ये जो स्कूल मैन हैं, जो फादर्स हैं चर्च के, ये तो मतलब चर्च को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बाइबल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बाइबल की जो थ्योरीज हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस देंगे। तो मतलब उस तरह की फिलॉसफी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी जैसे आपको एंशियंट फिलॉसफी में मिली है। जब प्लेटो एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी है उनकी तरह फिलॉसफी आपको मेडिवल फिलॉसफी में नहीं मिलती है, क्योंकि ये फ्री थिंकर नहीं थे एज कम्पेयर टू मतलब प्लेटो एरिस्टोटल्स। तो मतलब चर्च डोमिनेटेड फिलॉसफी थी ये। फॉर देम द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल एंड द कैथोलिक चर्च वॉज अनक्वेश्चनेबल्स, मतलब दे do not question Bible, they do not question Jesus, they do not question church. तो अगर आप challenge ही नहीं करेंगे तो वो philosophy किस बात की हुई फिर। इसलिए मतलब अगर loose sense में कई बार जो medieval period है इसको dark period भी बोला जाता है philosophy का, क्योंकि जो systematic काम है ना वो इसमें बहुत कम हुए। जहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मतलब जहाँ philosophy जो रही है Christian या medieval period में, ये काफ़ी मतलब based है faith और beliefs पे। मतलब दे आर ट्राइंग टू रैशनलाइज द फिलॉसफी बट दे आर ट्राइंग टू रैशनली जस्टिफाई द फेथ एंड बिलीव्स, वो शायद एक लिमिट तक पॉसिबल नहीं होता। कोशिश की उन्होंने बेटर है, बट फिर भी मतलब इनकी जो फिलॉसफी की ग्राउंड है, जो फाउंडेशंस है, इट इज़ ग्राउंडेड इन फेथ एंड बिलीव्स। रिलीजन तो होता ही फेथ और बिलीफ के, मतलब रिलीजन के जो पिलर्स हैं वो किस पे रहते हैं, फेथ और बिलीव्स पे। और ये जो फिलॉसफी है इसको हम रिलीजियस फिलॉसफी भी कह सकते हैं, एक तरफ से थियोलॉजिकल फिलॉसफी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिश्चियनिटी में डिस्कस की गई हैं वो सारी थियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज था क्रिश्चियन फिलॉसफर्स के सामने वो था बिलीव्स को रैशनल ग्राउंड देना, जो फेथ हैं चर्च के उनको रैशनल ग्राउंड प्रोवाइड करना। सो द बर्थ ऑफ व्हाट इज नोन एज स्कॉलास्टिक फिलॉसफी therefore can be traced to these attempt of the early Christian thinkers to expose, systematize and demonstrate the Christian dogmas. Dogmas क्या होते हैं, मतलब जो unquestioned faith और beliefs हैं। तो मतलब जो Christian thinkers रहे हैं, early thinkers जिनको हम school man कहते हैं, they are all trying to defend the faith and beliefs of the church by rationally justifying them. In comparison to Greek philosophy, the Greek not only developed rational philosophical systems, but also initiated scientific thinking and promoted critical reflections in many spheres of human life. But for the scholastic thinkers, philosophy was a handmaiden of religions, and they hardly encouraged rational and critical reflections independent of religious dogmas.
उनका उनको चैलेंज कर ही नहीं पा रहे थे। जब आप रिलीजन को चैलेंज नहीं करेंगे तो फिलॉसफी कैसे, फुल फ्लेज्ड फिलॉसफी कैसे पॉसिबल है? तो मतलब जो इनकी फिलॉसफी है, इट्स अ काइंड ऑफ फिलॉसफी दैट इज बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीव्स, और वी कैन से दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई द फेथ एंड बिलीव्स ऑन द रैशनल ग्राउंड्स, बट एक्चुअली दे आर फेथ एंड बिलीव। तो फेथ और बिलीफ ही होते हैं, बेशक आप उनको जितना मर्जी रैशनली जस्टिफाई कर लें। So we can say that scholastic philosophy by and large accept the truth of Christianity without questioning them. मतलब जो scholastic philosophers हैं ये philosophy को मान रहे हैं, Christian philosophy को, Christianity को मान रहे हैं without asking any questions. Hence it cannot be treated as philosophy in the strict sense of the terms. According to scholastic thinkers, philosophy was at the service of religions or was a handmaiden of theology. They employed the technique of philosophers, that is rational speculations, but unlike the philosophers who would not accept anything without questioning it, the theologians accepted certain beliefs about God and his power without questioning their validity. So it cannot be called as philosophy in true sense because they are not questioning the basic beliefs. Matlab, and Plato talks about God or forms or matters, Aristotle talk about form and matters, they have rational justifications. They are not talking about something that is written in the religious text or said by someone else. They are their own theories, it's their mental fabrications, something new, they are trying to do something new. But if we talk about scholastic thinkers, what they are doing is trying to justify what is already written in the Bible, what is already said by the Christianity. तो इस तरह से इनका काम। तो Christianity की अगर हम generally बात करें, Christianity came as a school of philosophy against the paganism, and they gave utmost importance to reasons to defend the faith of Christianity. Paganism क्या है? मतलब छोटे-छोटे जो religions होते हैं, वो develop होना शुरू हो गए थे Christianity में। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो रिलीजन है वो डिवाइड हो जाए। तो मतलब जो क्रिश्चियन फिलोसफर्स, जो स्कॉलास्टिसिज्म जो फिलोसफर थे, इन्होंने क्या किया, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, नेचुरली दे आर फिलोसफर, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, नो डाउट दे आर रिलीजियस पर्सनस, बट दे आर इंटेलेक्चुअल्स, सो दे आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द क्वेस्ट ऑफ द मैन, जो मतलब नहीं जान पा रहे हैं कुछ लोग, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो फेथ हैं, जो बिलीफ हैं, जो चैलेंजेबल लग रहे हैं लोगों को, उनको वो रैशनली जस्टिफाई करते थे जिससे लोग सेटिस्फाई हो जाएं और क्रिश्चियनिटी छोड़ के नहीं जाएं, और जो क्रिश्चियनिटी है वो बची रहे एज ए रिलीजन। तो इस तरह जो स्कॉलिस्टिक फिलोसफी है वो एमर्ज हुई थी, और इनके जो चीफ थिंकर थे सेंट अंगस्टाइन, एंसलम, एक्यूनस, इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। इनकी थ्योरीज हैं लाइक टाइम की बात करें तो उनकी सबसे जो पॉपुलर थ्योरी है वो है प्रॉब्लम ऑफ ईवल, कि दुनिया में बुराइयां क्यों हैं, इस पे इन्होंने काफ़ी डिटेल में काम किया हुआ है। एंसलम की बात करें तो इन्होंने ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, और जो थॉमस एक्यूनस थे इन्होंने क्या किया, जो एंसलम की जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया था, एंड देन थॉमस एक्यूनस ने 5 प्रूफ्स प्रपोज किए थे फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। दीज आर द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्कॉलास्टिक फिलोसोफर्स। और जो रियलिज्म और नॉमिनलिज्म है, इस प्रॉब्लम को भी इन्होंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, जो मेन थिंकर रहे हैं इनके, जैसे रियलिज्म और नॉमिनलिज्म दोनों यूनिवर्सल्स की थ्योरी है। यूनिवर्सल्स क्या होते हैं, अल्टीमेटली रियल, मतलब जैसे हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो रियलिस्टिक था, रियलिस्टिक क्या था उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल्स है, मतलब आइडिया ऑफ सर्कल नेस, जो ह्यूमन नेस होती, जो इसेंस होती है, वो बोलते हैं उसको, उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो माइंड इंडिपेंडेंट है, वो इस वर्ल्ड में नहीं है, मतलब रियलिटी आउटसाइड द वर्ल्ड है। और जैसे मतलब नॉमिनलिज्म ऑन द अदर हैंड क्या बोलते हैं, कि जो रियलिटी है यहीं पे है, यूनिवर्सल्स मेरली नेम है। तो इन दोनों थ्योरीज पे उन्होंने काफी काम किया। जो लास्ट पॉइंट है दैट इज एरिस्टोटल इन्फ्लुएंस, जो स्कॉलास्टिक थिंकर्स हैं
इन्होंने एरिस्टोटल की फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया हुआ, और जो प्रीएमिनेंट अथॉरिटी है साइंस, नेचर एंड एथिक्स, इन चीज़ों को ये मानते हैं। स्कॉलिस्टिक आउटलुक ऑन द वर्ल्ड ऑफ नेचर वाज एरिस्टोटलियन। स्कूलमैन अडॉप्टेड एरिस्टोटल डॉक्ट्रिन ऑफ मैटर एंड फॉर्म विच दे अप्लाइड नॉट ओनली टू लिविंग थिंग्स बट ऑल्सो टू द इनऑर्गेनिक नेचर एंड लॉजिक। ऑल्सो स्कॉलिस्टिक अडॉप्टेड ऑल द डिटेल ऑफ एरिस्टोटलियन सिस्टम्स एंड द थ्योरी ऑफ नॉलेज वाज ऑल्सो एरिस्टोटलियन। मतलब जो एरिस्टोटल की फिलॉसफी है, जो उनके जो व्यूज थे, उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी पे। थैंक यू।